हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं ऋषभ अभिप्सा एजुकेशन फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाई, हम जो पिछले लेक्चर में किसके बारे में डिस्कशन किए थे, हमने डिस्कशन किए थे जितने भी एनर्जी है, सौर ऊर्जा से लेकर आपके पवन ऊर्जा और आपकी जितने भी स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, जितने भी पढ़ा थे वो सब क्या था भाई, बेसिक जानकारी लिए थे। भाई क्या चीज़ था सर? एनर्जी का ही फॉर्म था, एनर्जी का ही रूप था, और किस रूप में आपके पूरा किसमें आपके सराउंडिंग्स में और आपके इन्वायरमेंट में इस चीज़ का यूज़ होता है, इसके बारे में पूरा डिस्कस कर लिए थे भाई। और बेसिक जानकारी भी लिया था क्योंकि हमें एमसीक्यू डील करना था सर, हम कर लिए एमसीक्यू डील। अब हम बात करेंगे 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चन है, जो कि कक्षा 10वीं विज्ञान का कौन सा चैप्टर है भाई? कक्षा 10वीं विज्ञान का हम बात कर रहे थे अध्याय नंबर 18, जो कि यूनिट नंबर 4 है भाई। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अध्याय नंबर 18, जो कि यूनिट 4 है, जिसमें हमें मिलने वाले 7 नंबर। 7 नंबर कैसे सर? 2 नंबर के एमसीक्यू है और 1 नंबर का जो क्या है भाई, सॉरी, 1 जो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का आता है, मतलब कितना हुआ, 2, 2, 4 हुआ, और 3 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। कौन कौन से चैप्टर है सर? ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत, और एक जो क्या था वो जो हमें बात करना था, ताप और हीट के बारे में बात किए थे। इस दोनों चैप्टर से इकट्ठे हमें 7 नंबर मिलने वाले हैं। तो जिसका डिस्कशन किया पीआईक्यू डील किए भाई, और आज बचा हुआ है उसमें हम लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, इसका भी समापन करने वाले हैं। लेट नहीं करते भाई, देर नहीं करते, जैसा बेसिक जानकारी लिए थे उसी के आगे बढ़ेंगे और उसी को देखेंगे कि क्या क्या बच गए था और क्या क्या पीआईक्यू जो रह गई थी उसको भी डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं, पीआईक्यू डील करेंगे और पीआईक्यू से आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं और कितना और आ सकता है और कितना हमें जरूरी है भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते, देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या बोलता है सर। वो बोलता है कि सौर ऊर्जा के उपयोग के लाभ लिखिए तथा उत्तर देखो, उत्तर हम देखते हैं क्या, देखो पुस्तक क्या है वो सौर ऊर्जा के उपयोग तथा लाभ लिखे बोल रहा है। तो उत्तर में हम देखते हैं कि सौर ऊर्जा के क्या क्या उपयोग है और लाभ है। तो भाई ये पता है कि सौर ऊर्जा मतलब किससे मिल रहा है हमें? सूर्य से मिल रहा है। सूर्य से मिल रहा है सर, पूरा जिंदगी जो है सूर्य के सौर ऊर्जा से ही चल रहा है, प्रकाश संश्लेषण से लेकर जीवों के विकास तक पूरा हमें किसके बारे में पता चला, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और सूर्य के पूरा सौर ऊर्जा से ही चल रहा है सर। तो क्या क्या लाभ है उसका क्वेश्चन देखेंगे अगर, तो धर्मुंडी से पूछा गया था क्या बोलता है सर। वो बोलता है कि जो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है जो कि बिल्कुल प्रदूषण रहित होती है, सौर ऊर्जा के उपयोग से कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे क्या भाई अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का संरक्षित किया जा सकता है भाई। क्या बोल रहा है? जो खत्म हो सकती है, जो एनर्जी जो है खत्म हो सकती है, अनवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन है, कोयले तथा पेट्रोलियम, जो एक टाइम के बाद खत्म हो सकता है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं भाई, सौर ऊर्जा के उपयोग से इसका जो स्रोतों को संरक्षित किया जा सकता है, इसका कम यूज करके दोहन न करके हम उसको बचा सकते हैं। सौर ऊर्जा का बहुत सारा एग्जाम्पल्स है जिसमें हम देख सकते हैं, लेकिन 2-3 जो प्रमुख है उसको आप याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन था। और देखते हैं भाई ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। तो ऊर्जा रूपांतरण क्या है भाई, एनर्जी का क्या हो रहा है भाई, पूरा रूपांतरण मतलब एक फेज से दूसरे फेज में जाना, या फिर मैं बोलूं कि उसका कन्वर्ट हो जाना ही ऊर्जा रूपांतरण है। तो देख लेते हैं भाई, ऊर्जा रूपांतरण जब ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदला जाता है, ये तो पता ही है कि भाई ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाना या फिर ऊर्जा का क्या होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है, वो बोलता है कि एनर्जी जो है कभी खत्म नहीं होती और न कभी बनती है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, यही ऊर्जा का संरक्षण नियम है। उसी के तहत मैं बोलूँ तो क्या होता है सर, यह क्रियाविधि ऊर्जा रूपांतरण कहलाती है। ऊर्जा के कई रूप होते हैं जिसमें से एक प्रकार की ऊर्जा या फिर दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जाता है, यही ऊर्जा का क्या कहलाता है भाई, रूपांतरण। ऊर्जा का संरक्षण अगर आपको याद है तो ये डेफिनेशन आप अच्छे से दे सकते हैं भाई। कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे, डिस्कस कर रहे हैं भाई, और देखते हैं। हाँ देखो उदाहरण, देखो इसका उदाहरण क्या हो सकता है सर, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, पता है कि नहीं भाई, सोलर पैनल है ना, मतलब क्या आपके घरों में जो यूज होने वाले जो इलेक्ट्रिसिटी है सिर्फ विद्युत ऊर्जा ही बस तक सीमित नहीं है, उसको हम ला कहां से रहे हैं, सौर ऊर्जा से यूज करके भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, जिसको बोलेंगे सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। और देखो विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण, देखो कैसे रूपांतरण हो रहा है विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण, जैसे स्त्री का गर्म होना, अभी स्त्री का गर्म होना मतलब क्या भाई, कपड़े मस्त प्रेस करके पहन रहे हो, वो किससे कनेक्टेड है सर, वो कनेक्टेड है विद्युत ऊर्जा से। अब बोलोगे विद्युत ऊर्जा से कैसे भाई, लाइट के सोर्स कौन सा है भाई, वो प्लग लगा रहे हो आप, वो क्या हो रहा है विद्युत उसमें आ रहा है, विद्युत आ रहा है उसमें है ना, विद्युत जो जनरेट हो रहा है, फिर आपके जो स्त्री है उसका वो पार्ट है, कौन से पार्ट जिसमें आप आयरन करते हो, वो हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो ये क्या हुआ विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में रूपांतरण। फिर देखू मैं यांत्रिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण, चाकू का किसी पत्थर पर टकराना, चाकू का किसी में टकरा दो किसी पत्थर पे, या फिर किसी स्टील जो है पदार्थ है उसको टकरा दो किसी किसी भी पदार्थ में, तो आवाज आने लगती, तो क्या बोलूंगा सर, वो
यांत्रिक ऊर्जा का प्रकाश के ऊर्जा में रूपांतरण में चाकू का किसी पत्थर पर टकराना, मतलब देखो कैसे टकराएगा तो फिर लाइट कैसे आएगा, देखो आवाज ध्वनि ऊर्जा भी आती है, इसका एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो, क्योंकि किसी भी पदार्थ स्टील को भी टकराऊंगा तो क्या होगा, वो आवाज आएगी, तो ध्वनि ऊर्जा भी परिवर्तन की भी एग्जांपल में ले सकते हैं इसको। और यांत्रिक ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण, स्प्रिंग को दबाना, स्प्रिंग को दबता है वो भी इसका एग्जांपल है यांत्रिक ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में। हाँ, मैं बात करता चाकू को किसी पत्थर पर टकराएगा, चाकू जो है जैसे किसी पत्थर पर टकराता है क्या पता चलता है भाई, लाइट उसमें आता है स्टील को जैसे देखना, या फिर मिरर के एग्जांपल लूँ तो मिरर से देखना वो रिफ्लेक्ट होता है, उसी प्रकार इसको भी मैं समझ सकता हूँ भाई। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। और देखो भाई तीसरा क्वेश्चन, पवन ऊर्जा के दो उपयोग लिखे हैं, 2017 पूछा गया था एबीसी करके और सीम पूछा गया था और 20 में पूछा गया है। पवन ऊर्जा के क्या क्या यूज होता है भाई, पवन ऊर्जा मतलब क्या, जो एनर्जी से हमें क्या कहते हैं, टर्बाइन चलाते हैं, पवन चक्की चलाते हैं, उसका यूज क्या क्या होता है देख लो भाई। पवन चक्की चलाने में, वो खुद पवन चक्की चलाने में उसकी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और पाल नौकों के संचालन में भी इसका यूज होता है। बेसिक्स क्वेश्चन है, कब पूछा गया था 17 और 20 में। दो तीन और आप बुक्स अच्छे से देख सकते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन इस प्रकार आ सकते हैं भाई, ये समझ गए बच्चों। और देखो सौर सेल के कोई दो लाभ लिखिए, सौर सेल जैसे कि डिस्कस किया हूं, सौर सेल क्या होता है भाई, ट्रैफिक सिग्नलों में भी इसका यूज किए थे भाई। देखो ट्रैफिक सिग्नल जहां होता है वहां पर कितना विद्युत से कनेक्ट करते रहोगे, उसके लिए सौर सेल लगा दो, वहां पर आपको लाइट मिल जाएगी, लाइट मिलेगी तो चार्ज होगी, चार्ज जैसे हो रहे सौर सेल जो है उसमें एनर्जी बच रही है, वो क्या यूज हो जाएगा, सिग्नल में यूज हो जाएगा। मानव निर्मित उपग्रह तथा अंतरिक्ष में अन्वेषक युक्तियों में भी इसका यूज कर सकते हो, और क्या घर में आपके टीवी फ्रिज चलाने में भी सौर सेल का उपयोग कर लो, और पानी बोरवेल से लेकर हर चीज में भी आप इसका यूज कर सकते हो भाई, क्लियर। और कृषि में भी आप इसका यूज कर सकते हो, कृषि में भी बोरवेल से लेकर कोई भी सुविधा आपको चाहिए अगर तो आप सौर सेल का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन, सौर कुकर के कोई दो उपयोग लिखिए। अब सौर कुकर भाई खाना बनाने में पहले यूज हुआ करता था पहले, और अभी भी होता है कुछ जगह ऐसे जहां पर इसका यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो उसके उपयोग में खाना पकाने के लिए, पानी गर्म करने में, और नहाने के लिए पानी गर्म करने से लेकर नाश्ता बनाने में कुछ भी बोल सकते हो इसके उपयोग में, लेकिन जनरली इसका उपयोग होता है कहां, फूड इंडस्ट्री में या फिर फूड की चीजों में इसका यूज होता है। ठीक है बच्चों, अब कम यूज होना चालू हो गया क्योंकि सस्ते दाम में है, क्या मिल रहा है भाई आपको, एलपीजी मिल जा रहा है, सौर कुकर की जगह छोड़कर आप क्या कर रहे हो, सोलर एनर्जी के माध्यम से हीटर के यूज कर पा रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो उससे भी खाना बनाने में इजी हो रहा है। यहाँ तक की बात समझ में आए भाई। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, आपको आंसर देना है, और इस चैप्टर से आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको जो आता है, आपको जैसा भी माइंड में आता है, ये पर्यावरण से संबंधित है, दैनिक जीवन से पूरा संबंधित है, आपको लिख के आना है भाई। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। और देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बायोगैस क्या है, इसको मैं बताया था भाई, बायोगैस क्या है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का क्या होता है भाई, अनुपात होता है, देख लो लिखा होगा कहीं पर, है ना, ये देखो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन से बना होता है, पशुओं के गोबर तथा देखो पशुओं से जो प्राप्त गोबर है उसका बहुत यूज होता है भाई, बायोगैस के लिए यूज होता है, गाय जैसे पशुओं और भैंस के जैसे गोबर है उन सबको यूज करके सूक्ष्म जीव अपघटन करा दो, फिर इसको यूज किस में कर देते हैं, बायोगैस बनाने में यूज कर लेते हैं। और क्या बनता है सर, मुख्य रूप से कौन कौन से गैस का मिक्सचर है पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है भाई, मीथेन क्या बोलूं इसको, CH4 और CO2 और H2 का मिक्सचर है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, समझ में आया। और देखो सर बायोगैस का दो उपयोग बता दो भाई, बायोगैस का ईंधन के रूप में कर सकते हो, प्रकाश स्रोत के रूप में कर सकते हो, खाना बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है सर, है ना, खाना बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, और साथ ही साथ क्या कर सकता हूँ मैं बायोगैस का, बायोगैस से आजकल क्या हो रहा है भाई, आजकल इससे इसका यूज जो है वृहद हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा यूज करके लोग आजकल क्या कर रहे हैं, अब जो है गाड़ी चलाने में भी ईंधन का जो बनाने का प्रक्रिया चालू हो गया है भाई, तो बहुत सारा उपयोग है इसका। ठीक है, और देखो सौर कुकर भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, बायोगैस भी पढ़ लिए, लघुत्री मतलब बड़े क्वेश्चन में देखो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन का डील कर रहे थे तो 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन डील कर लिए भाई, 3 नंबर में देख लो क्या आ सकता है, नामांकित रेखा चित्र की सहायता से सौर कुकर की क्रियाविधि को समझाइए और सौर कुकर के बारे में समझाना है आपको। ठीक है बच्चों, अब सौर कुकर के बारे में मैंने बताया था इसका यूज पहले हम लोग बहुत करते थे, अब कम हो रहा है करके, सौर कुकर दिखता कैसे है भाई देख लेते हैं, दिखता कैसे सर, ये इसमें आपको भले क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये तो पता है कि कैसा रहता है सर, काला कलर का क्या रहता है, 4 डिब्बे रहेंगे, बॉक्स रहेंगे जिसको काला कलर में रंग दिया जाता है, काला कलर ही क्यों चूज करते हैं सर, वही उष्मा का अच्छा अवशोषक है, उष्मा को अच्छा अवशोषण करेगा मतलब क्या, वो जल्दी हीट को अब्सॉर्ब करेगा, जल्दी हीट अब्सॉर्ब करेगा मतलब जल्दी पकेगा, है ना, तो 4 डिब्बे होती है, फिर उसमें एक ऊपर में क्या होता है भाई ग्लास लगा होता है, फिर उसको कवर करने का पेटी रहता है, चर्चा करेंगे इस पर बारी बारी से। तो ये जो है क्या है भाई, सौर कुकर,
सोलर सेल और सौर कुकर एक ही लगता है ना। तो ये जो है क्या है भाई, सौर कुकर, ठीक है। अरे देख लो यहाँ पर शीशा युक्त ढक्कर रहता है, इससे क्या होगा जो आपका लाइट आएगा, जो प्रकाश आएगा उससे टकरा कर अंदर जाएगा भाई, ठीक है। और क्या बोलता है उसमें देखो, भीतरी पकाने वाले बॉक्स रहता है, नीचे में हैंडल हत्था रहता है ताकि पकड़ के कहीं से कहीं ले जाओ भाई, घूमने जा रहे हो तो सौर कुकर को पकड़ के चले जाओ, क्यों ईंधन को पकड़ोगे, है ना। ईंधन मतलब क्या, एलपीजी गैस को पकड़ने से चीज को पकड़ लो, लेकिन लोग ऐसे नहीं करते, क्यों इसके लेके चलेगा, कहीं पर बारिश हो गया, कहीं पर लाइट नहीं आ रही, कहीं पर प्रकाश ऐसे नहीं क्रिया अच्छे ढंग से नहीं हो, मतलब सौर ऊर्जा या फिर सौर कुकर को लेके जा रहा है उतना, उससे अच्छा एलपीजी लेके जा रहा है आजकल, है ना। तो खैर अभी अभी की बात नहीं करते, ये पहले बहुत यूज हुआ करता था, ठीक है। ये सब क्या है भाई, सौर कुकर का डायग्राम है। अब देख रहे कुछ इसका मैं थोड़ा बहुत थ्योरी इसके बारे में लिख दिया हूँ, ज्यादा समझाने समझाने की बात नहीं है, इजी है, बहुत ही सरल है, आपको बस इसका डायग्राम बनाने आना चाहिए, आपको इस पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कैसा डायग्राम बनाना है इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, 2 से 3 मिनट बिल्कुल इस पर प्रॉपर आप ना, दो कम से कम आपको 5 बार एक बार इसका 2 से 3 मिनट का समय निकालोगे तो 15 मिनट में आप डायग्राम अच्छे से बनाना सीख जाओगे भाई। कैसे है इसको क्या करना है, बॉक्स बनाना है, नीचे कैसे डालना है, ये गोला गोला कब डालना है, ये सब की आप बना सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं भाई क्या थ्योरी बोलता है, क्रियाविधि क्या है सर। सौर कुकर को धूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सूर्य का प्रकाश समतल दर्पण से परावर्तित होकर कुकर के अंदर प्रवेश करे। अब देखो क्या बोल रहा है सर, मैं अगर बात करूं जो सूर्य का एनर्जी इधर आ रहा है उसको मैं क्या करूंगा, दर्पण के सहायता से क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा और वो जो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ है, मेरे टिफिन बॉक्स में है, मतलब जो काला कलर के बॉक्स है। फिर पेटिकल के रूप में रखी गई हुई कांच की प्लेट ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, जिससे पेटिकल के अंदर, पेटिका मतलब क्या, वो बॉक्स है, पेटी जो रहता है उसको बोल रहे हैं ना, उसके अंदर का ताप जो है लगभग 2-3 घंटे में ही कितना हो जाता है भाई, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, और यह जो है उसमें काले पात्र में रखी भोजन को सामग्री जैसे चावल दालों और सब्जियों को पकाने में प्रयुक्त होता है। बात सिंपल सी है, ऐसा एडजस्ट करो भाई कि सामने डायरेक्ट क्या पड़े आपके टिफिन बॉक्स में, क्या पड़ना चाहिए, प्रकाश पूरा पड़ना चाहिए, सौर ऊर्जा जो है डायरेक्ट पड़ना चाहिए, और जल्दी देखोगे 2 से 3 घंटे में उसका टेम्परेचर जो 100 से 150 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिससे उष्मा क्या होगा भाई, अब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, खाना बनाने में आसानी हो जाएगी। खाना में क्या क्या बन सकता है, चावल दाल और आपके कुछ सब्जी रहेगी वो। अब आप बोलोगे सर इडली बनाना है, पिज्ज़ा बनाना है, तो इसमें नहीं बनेगा भाई, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर एनर्जी प्रॉपर हीट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स था इसका। और देखो और क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 पूछा गया था सेट सी में, समझाइए क्यों सौर कुकर बक्से के अंदर भीतर से काला रंग लगते हैं। बताया हूँ भाई क्या क्यों रखते हैं सर, काला रंग उष्मा का सबसे बड़ा शोषक है, इस कारण से देखना गर्मी के दिनों में काला रंग पहनने से लोग बचते हैं। अगर काला रंग पहन के आप घूमने चले गए भाई रात, मतलब दोपहर के 1 बजे, देखना भाई आने के बाद आपको फीवर लग जाएगा या तो फिर आपको तबीयत खराब हो जाने वाला है ना। तो देखना जनरली ये है कि काला रंग को पहनकर धूप में या फिर गर्मी के दिनों में घूमा नहीं जाता, क्योंकि ये जो है सबसे ज्यादा अवशोषक होती है उष्मा का, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सौर कुकर के बक्से, देखो सौर कुकर के बक्से को कांच की शीट से ढकते हैं, क्यों, ताकि वो टूटे ना इजिली, इस पर चलेंगे। सौर कुकर बक्से में समतल दर्पण परावर्तक उपयोग किया जाता है, 2018 पूछा गया था। चलो चलते हैं भाई, ये तो पता ही है कौन सा काला रंग क्यों यूज होता है। सौर कुकर के बक्से को कांच की शीट से ढकते हैं क्योंकि एक बार सूर्य की उष्मा किरणें कुकर बक्से में प्रवेश कर जाती है तो कांच का ढक्कन उन्हें वापस बाहर जाने में नहीं देता, क्यों, क्योंकि आ गए अंदर फिर अब उसको जाएगा तो वो गर्म होगा ही नहीं, तो इसलिए उसको बचा कर रखने के लिए इसका किया जाता है। इस तरह सूर्य की अधिकाधिक उष्मा किरणें बक्से में रोक ली जाती है, जिसके कारण सौर कुकर बक्से में लगभग 2 से 3 घंटे में ही लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, ठीक, समझ में आया इसका रीजन। और देखो सर और कौन क्वेश्चन बच गया था उसको देखते हैं, समतल दर्पण क्यों यूज होती है, क्योंकि समतल दर्पण परावर्तक उपयोग किया जाता है क्योंकि समतल दर्पण सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें को अधिक से अधिक भाग से परावर्तित करती है, जिससे सौर कुकर बक्से के अंदर अधिक मात्रा में प्रकाश किरणें प्रवेश करने से बक्से के अंदर का ताप को शीघ्रता से बढ़ाता जाता है और खाने की वस्तुएं को पका देता है। समझ में आया भाई, ये होता है क्या जो समतल दर्पण का यूज होता है उसमें, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो देखते हैं और क्या, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बीच में विभेद कीजिए। अब ये सर इसका अंतर जो है इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय संलयन मतलब क्या, दो नाभिकों को जुड़ के क्या बनना है भाई, एक बड़ा नाभिक बना देना, संलयन बोलते हैं। विखंडन क्या बोलता है, विखंडन मतलब क्या, टूट जाना, वो होता है विखंडन। चलो चलते हैं डिस्कस करते हैं भाई नाभिकीय संलयन। अब ये क्या होता है सर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, है ना, क्या होता है, दो हल्के नाभिक का परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाने की अभिक्रिया को संलयन कहते हैं, जैसा कि मैं बताया हूं। और उसमें क्या होता है, विखंडन में इस प्रकार के नाभिक में अभिक्रिया में एक भारी नाभिक, है ना, एक बड़ा जो है
छोटे छोटे भाग में बढ़ता है और इसमें दो छोटे छोटे जो है एक बड़ा भाग में बन जाता है। ठीक, ये हुआ पहला अंतर। इस अभिक्रिया के लिए उपयुक्त ईंधन हाइड्रोजन की समस्थानिक ड्यूटेरियम का भी उपयोग होता है या फिर होता है इसमें, और इसमें इस अभिक्रिया के लिए उपयुक्त ईंधन में यूरेनियम का यूज किया जाता है। ये याद रख लेना भाई, आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि यूरेनियम ही तो क्या होता है सर, भारी तत्व होता है जो छोटे छोटे तत्वों में बढ़ता है। इसमें हल्का तत्व होता है सर जो कौन, आपके हाइड्रोजन का जो समस्थानिक ड्यूटेरियम है वो। ठीक है, यह अभिक्रिया एक अनियंत्रित क्रिया है और यह अभिक्रिया एक नियंत्रित अभिक्रिया है। अनियंत्रित होता है क्योंकि छोटे छोटे जो है मिलकर बड़े बनता है, ठीक है, लेकिन इसमें बड़ा जो है छोटे में बढ़ता है, ये याद रखना। इस अभिक्रिया में दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें रिलीज होती है भाई। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन का यूज जो है ना कहाँ होता है, एटॉमिक बम बनाने में, एटॉमिक जो क्या है भाई, एटम बम बोलते हैं जिसे, है ना, हिरोशिमा नागासाकी में जो इंसिडेंट हुआ है वो सब इसी बड़े बड़े रसायन का यूज होके उतना बड़ा कांड हुआ है, इतना बड़ा क्या हुआ, हमारा इतिहास गवाह है। और आज भी पता ही आपको एसएसटी पढ़े होंगे ये कितना बड़ा नुकसानदेह चीज़ है, है ना। तो चलो ये तो बात हिस्ट्री में जाते हैं, फिर वापस आते हैं। इस अभिक्रिया में एक भारी नाभिक तथा दो हल्के नाभिकों में विखंडित होते हैं और अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। बात समझ में आई भाई? तो ये इस प्रकार से नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन को हम अंतर देख सकते हैं। ठीक, समझ में आया बच्चों? अब सौर सेल पैनल किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता लिखी 2017 पूछा गया था। तो भाई ये क्या है सर, सौर सेल पैनल, जिससे हम क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा में तब्दील करते हैं, बांटते हैं। तो देख लेते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना वही बात है, और अर्धचालकों का यूज किया जाता है। हाँ, अब ये अर्धचालक कौन कौन से है सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि सौर सेल में सिलिकॉन और गैलेनियम जैसे अर्धचालक का बनाए जाते हैं, इस कारण से इसका यूज किसमें किया जाता है भाई, सौर सेल पैनल में यूज किया जाता है। याद रखना, सिलिकॉन और गैलेनियम का, है ना, क्लियर बच्चों? इसको यूज करके अर्धचालक होता है जिसका यूज किया जाता है, और इनमें उचित अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता अभूतपूर्व बढ़ जाती है। कब भाई? क्योंकि ये विद्युत प्रवाह नहीं कर सकते इसमें, स्टार्टिंग में ये नहीं करता, लेकिन इसमें क्या मिला दो, अशुद्धि मिला दो, कुछ डोपिंग करने बोलते हैं इसको ना, पता है कि नहीं इसके बारे में, सर नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। अर्धचालक में ना क्या करते हैं, अशुद्धि को जो मिलाने का प्रोसेस है उसको डोपिंग कहा जाता है। तो अशुद्धि को मिलाने से जैसे क्या होता है, वो विद्युत फ्लो करना नहीं चाहता ना, नहीं होता उससे, लेकिन डोपिंग कराने से वो विद्युत बहुत जबरदस्त सुगंधता पूर्वक करता है, है ना, तो इसको बोलते हैं डोपिंग की क्रिया। इस प्रकार अशुद्धि निर्मित अर्धचालक को क्रमशः किसी वर्ग प्लेट में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे सौर सेल पैनल कहा जाता है, अर्धचालक से बना होता है। देख सकते हैं आप डायग्राम में भाई, डायग्राम क्या बोलता है सर, ये हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा कैसे ब्लैक कलर का जो दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है भाई, सौर पैनल। ठीक, इसका यूज आजकल बहुत डेली लाइफ में अब होने चालू हो गया भाई। आप गार्डन जाओ या फिर कहीं खेती या फिर डेयरी उद्योग में देखो आप ना, क्या होता है भाई, उसका यूज करना चालू हो गया है ना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी इस स्कीम ला दिया गया है, गवर्नमेंट भी क्या कर दिया है भाई, बहुत ज़्यादा अब लोगों के लिए टेक्नोलॉजी को क्या कर दिया है, अवेलेबल करा दिया है। टेक्नोलॉजी जो है इतना ज़्यादा हो गया है कि अब जो है हर जगह इसका यूज़ होना चालू हो गया है, हर गांव से लेकर बड़े बड़े कस्बों से लेकर शहर में भी इसका यूज़ होना चालू कर दिया। इसका उपयोग के बारे में अगर देखें तो दूरस्थ गाँव में विद्युत उत्पादन कर रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं पा रही है सर, प्रकाश के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से इसका यूज़ कर रहे हैं, है ना, मोटर एवं प्रकाश की व्यवस्था क्या थी, ये सब देख लेना भाई, ईजी है। ठीक है, तो इस प्रकार ये समझ में आया भाई, क्या बोलता है सौर पैनल क्या होता है, ये समझ में आया, क्लियर हुआ भाई यहाँ तक की बात? ठीक है, अब क्या देखते हैं, हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन रह गया है उसको देख लेते हैं। नाभिकीय संलयन को चित्र द्वारा समझाइए बोल रहा है, और ये होती क्या है इसको बताइए बोल रहा है। तो बताओ भाई, नाभिकीय संलयन मतलब क्या, दो छोटे छोटे चीज को मिला दो सर, मतलब क्या, दो छोटे छोटे क्या है आपके, छोटे छोटे पदार्थ है उसको मिलाकर बड़ा पदार्थ बनाना बोलते हैं संलयन। विखंडन क्या बोलते हैं सर, एक बड़े पदार्थ जो है छोटे छोटे भाई में, छोटे छोटे कीड़ों या फिर छोटे छोटे पदार्थों में डिवाइड हो जाते हैं वो बोलते हैं विखंडन। और संलयन क्या होता है सर, छोटे छोटे चीज को मिलाकर बड़ा बना दो। अभी होता कैसे है देख लेते हैं भाई। दो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के समस्थानिक, अब हाइड्रोजन के समस्थानिक मैं केमिस्ट्री में अच्छे से डील कराया था भाई, केमिस्ट्री पोर्शन में आपको डील कराया था। तो क्या होगा समस्थानिक, जिसका परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार अलग अलग होती है। तो हाइड्रोजन का तीन समस्थानिक होती है, एक हाइड्रोजन खुद, और हाइड्रोजन का होता है प्रोटियम, और एक ड्यूटेरियम मतलब हाइड्रोजन, देखो क्या बोलूं, हाइड्रोजन का कितना होता है, तीन होता है सर, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है ना। हाइड्रोजन खुद बोल देते हैं पहले वाले को, क्योंकि 1H1 होता है, फिर दूसरा 1H2 होता है, तीसरा 1H3 होता है। ठीक है, अब मैं ड्यूटेरियम को लूँ सर, ड्यूटेरियम को लेकर दोनों का संलयन करा के मैं क्या बना सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ सर इसको जोड़ने के बाद 1
वन जुड़ गया टू, ऊपर का परमाणु बाहर को जोड़ दो फोर, और कितना ज्यादा बनने के बाद क्या रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो ये बात हुई किसका भाई, नाम की, संलयन की। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं भाई इससे। ठीक है, समझ में आया, इसको एक्सप्लेन करना है भाई। अगर ये पूछा नहीं गया है तो पूछ सकता है भाई, दो से तीन नंबर में ये आ सकता है, दो से तीन नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, आपको क्लियर रखना है, याद रखना है भाई। ठीक, समझ में आया भाई। नाभिकीय संलयन में दो धनायन युक्त नाभिकों का संलयन होता है, इसके लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, इस कारण से ताप नाभिकीय, क्या बोलते हैं, ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। बात समझ में आई भाई, इसको क्या बोलते हैं, ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक, ये हुआ नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय विखंडन क्या होती है, इसको भी पूछ रहा है, जैसा कि मैं बताया। अब इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है सर, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम जैसे बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं, उनका जरूरत पड़ती है, और उनको यूज करके हम बमबारी करा के दो हल्के नाभिक में तोड़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है भाई, 2018 में पूछा गया था। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों, कैसे हुआ, देखो सर, यूरेनियम 235 92 है, हाँ देखो परमाणु क्रमांक कितना होता है सर यूरेनियम का, होप सो आपको वीडियो अच्छे से दिख रहा होगा, फोटो भी दिख रहा होगा। यूरेनियम 92 उसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होता है 235। ये जो कैसे विभक्त हो रहा है सर, ये जो विभक्त हो रहा है किसमें, यूरेनियम 236 में, और साथ में जो छोटे छोटे भाग में बढ़ गया, कैसे, एक हो गया क्या बैरियम में, और एक हो गया क्या, देखो न्यूट्रॉन भी मुक्त हुआ, और साथ में क्या हुआ भाई आपके क्रिप्टॉन 36, दोनों का अगर जोड़ोगे तो ये इतना परमाणु भार का और परमाणु क्रमांक का निकल जाएगा। ये क्वेश्चन था, इसको मैं ऐप में बहुत अच्छे तरीके से डील किया हूँ बच्चों, आपको ये मैं रेफरेंस के तौर पर समझाया हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट होती है, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है, तो आप बिल्कुल हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको पूरा डीप समझना है इसके बारे में, तो मैंने इसको अच्छे से आप किसमें दिया हूँ भाई, ऐप में दिया हूँ। अगर आपको इस पर और अच्छे से बात करना है, तो कक्षा 12वीं कक्षा 11वीं भी जब जाओगे हायर क्लास में, और अच्छे से इसको डिस्कशन करेंगे। लेकिन जैसा आपको 10th लेवल में जानकारी था, मैं बता दिया हूँ, कुछ बुक्स में भी रीडिंग करिए, अगर डाउट होती है तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आए बच्चों, कैसे एनर्जी का वो हुआ, कैसे डिवाइड हुआ। तो ये सब क्या था भाई, ये सब था यूरेनियम के बारे में, और ये क्या है, इसका कुछ थ्योरी था, थ्योरी पोर्शन, जिसको आप देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या हुआ भाई, हमारा विखंडन का प्रोसेस। ठीक, अब देखो ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसको अच्छे से देख लेना क्या बोलता है ये, इसको समझा देता हूँ मैं आपको। बोलता है क्या है ये, यूरेनियम जो 92-235 है वो नाभिकीय विखंडन होता है, देखो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन को बता रहा है, वो क्या होता है सर, दो भागों में बढ़ता है, कौन कौन सा, बैरियम, देखो बैरियम और ये जो है क्रिप्टॉन, ये जो है डिवाइड हो गया, ये दो छोटे छोटे किस में बट गया भाई, छोटे छोटे तत्व में बट गया, ये हैवी तत्व जो था वो छोटे छोटे तत्व में बट गया, और जो कि बहुत सारा एनर्जी रिलीज कर दिया, क्या भाई, बहुत सारा एनर्जी ऊर्जा जो है रिलीज कर दिया। तो ये इस प्रकार आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो भाई। तो आज के लिए इतना ही करते हैं भाई, और हमने कंप्लीट कर रखा है, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, और मस्त से स्टडी करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद, और बहुत सारा ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।